सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की गई। आयोजित टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। यह विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने डॉक्टर रौनक दास विशेष रूप से शामिल रहे। अंचल के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए हमेशा से टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वे अच्छी तरह से प्रिपेयर हो सके। इस वर्ष भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इस सप्ताह टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने संस्थान से ही पास आउट डॉक्टर रौनक दास विशेष रूप से शामिल हुए। बताना चाहेंगे कि डॉक्टर रौनक दास ने सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज से ही कोचिंग की है। यहाँ वे बहुत अच्छे छात्र माने जाते थे। विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करने पहुँचे डॉक्टर रौनक दास ने विद्यार्थियों से चर्चा की। इस दौरान उचित टिप्स उन्होंने बच्चों को दिए, साथ ही साथ टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उन्होंने पुरस्कृत भी किया। अपने ही संस्थान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर रौनक दास ने प्रतिक्रिया दी, तो वहीं सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के डायरेक्टर चिरंजीव जैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं 2003-04 में सचदेवा में कोचिंग लेता था, काफ़ी साल हो गए, लगभग 20 साल पहले, और एक ही साल में यहाँ कोचिंग लेके मैंने क्लियर कर लिया था अपने एमबीबीएस। मैंने कटक का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एसी मेडिकल कॉलेज जो कि उड़ीसा में है कटक, वहाँ से किया एमबीबीएस, और पीजी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया एक साल में, और उस एमडी में भी मैंने उसी अपने कॉलेज से किया, कटक से रेस्पिरेटरी मेडिसिन में। और उसके बाद मैंने बहुत जगह पे, अलग अलग जगह पे काम किया, उड़ीसा में काम किया, भुवनेश्वर में मेडिकल कॉलेज में, सब मेडिकल कॉलेज में, और फिर उसके बाद एम्स रायपुर में एक साल एसआरशिप भी किया पीजी करने के बाद, और उसके बाद राजनांदगांव के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम किया 2 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर उसके बाद मैं भिलाई आ गया, भिलाई में शंकरा मेडिकल कॉलेज में 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। फिर उसके बाद मैंने सेक्टर 9 में ज्वाइन किया, जहाँ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ एज कंसल्टेंट। और आज बहुत अच्छा लगा मिलके, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, मन में काफ़ी इमोशंस आए, बट अब इमोशंस उतना मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बट बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे समय में और आपके समय में काफ़ी कुछ अंतर आ गया है हालांकि, बट पढ़ाई तो वैसे ही करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट्स तो वही हैं, और एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे हम करते थे, बुक्स से ही पढ़ना पड़ेगा, और वही एग्ज़ाम है, वही टेस्ट है, वही क्लियर करना पड़ेगा बच्चों को, और कोई रास्ता तो है नहीं अभी। ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही है पढ़ाई, पढ़ाई भी वही है, सब्जेक्ट्स वही हैं बेसिक, और बस यही है कि बच्चे आजकल के, हमारे समय में डिस्ट्रैक्शंस उतने कम थे, सोशल मीडिया, ये दुकानें और ये सब कम थे, तो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन कम थे। अभी के बच्चों के लिए मुश्किल ये है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, बहुत प्रकार के चैनल्स हैं, और बहुत प्रकार का मार्केट में खाना पीना, फूड स्टॉल्स, ये सब बहुत प्रकार के हैं। उसको अगर हर्डल्स, ये सब हर्डल्स हैं मैं मानता हूँ पढ़ाई के रास्ते में, उसको अगर क्लियर करके बच्चे अपने मन पे नियंत्रण रखे, अगर अच्छे से पढ़ाई कर पाए तो ज़रूर सफल होंगे। देखिए, आज हमारा टेस्ट सीरीज के तीसरे चरण में हमारे तीसरे गेस्ट के रूप में डॉक्टर रौनक दास उपस्थित हुए। रौनक दास 2003-04 बैच के स्टूडेंट रहे हमारे, सेक्टर 10 के प्रोडक्ट रहे, और 2003 में ज्वाइन किया था, जो 2004 में इनको सिलेक्शन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बुरला के, सॉरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कटक के लिए, वहाँ से इन्होंने एमबीबीएस किया और एमडी भी किया, और वर्तमान में डॉक्टर दास अभी जो है वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई पुराना छात्र वर्तमान छात्रों को संबोधित, प्रेरित करने के लिए आए, क्योंकि ये उसी रास्ते से गुजरे हैं जिस रास्ते से अभी के छात्रों को गुजरना है।
और आज इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो फूड हैबिट्स है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन हो चाहिए तो हमको सबसे पहले अपने खाने पीने पर नियंत्रण करना होगा, अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इन्होंने जोर देकर बताया कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप ज़्यादा लाभ ले सकते हो। तो एक अच्छा लगता है कि पुराने छात्र जो वर्तमान में शहर के नामी डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं वो अपना समय निकाल कर इन बच्चों के लिए आते हैं। तो वही टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ने भी कुछ इस तरह की जानकारी दी और अपने अनुभव साझा किए। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब कि फर्स्ट पोजीशन अपना बना पाई और इसका क्रेडिट मैं मतलब कि यहाँ की फैकल्टीज़ को देना चाहूँगी कि वो इतना अच्छे से हम लोग का डाउट क्लियर करते हैं और टेस्ट वगैरह के बाद भी सारे डाउट का सोल्यूशन हमको देते हैं। बहरहाल सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित की जाने वाली टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उच्च अंक प्राप्त करने के लिए मील का पत्थर साबित होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।